कच्चा है बेटे, ये किसी काम का नहीं है, फुल्ली मतलब कच्चा है, अभी पकने में काफी। स्वागत है आप सभी का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो गाइज आज बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा क्या हुआ कि जरा टाइम मिला मुझे, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बिहार घूम के आए। यू नो बिहार समझते हैं ना आप लोग, आई थिंक सिटी में रहने वाले लोग तो समझेंगे नहीं, ठीक है, तो समझते होंगे, गांव में रहने वाले लोग समझ जाते हैं बिहार क्या होता है, क्योंकि वहाँ तो शहर में तो हर जगह घर घर है, हर जगह बिल्डिंग्स बने हुए हैं, तो उसको स्पेस दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगा कि बिहार कैसा होता है और फिर यहाँ पे कितनी स्पेस है। आप देख रहे हो मेरे पीछे कैमरे में, देखिए कितना स्पेस दिख रहा है आपको। ओके, तो थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं, एक्चुअली कैसा सिचुएशन है, कैसा जगह है, किस तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं वो दिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और मैं दिखाता हूँ कि कैसे एरिया है और इस तरह यहाँ किस तरह का स्पेस मिलता है। अरे यार बिजी तो बहुत होते हैं लाइफ में सबको, ठीक है ना, थोड़ा सा फ्री होकर के अगर सोचे ना, देखें कहीं पर एकदम थोड़ा सा पीस प्लेस में जा करके कि किस तरह का सिचुएशन है, कैसा नेचर रहता है हम लोगों का, ठीक है, नेचर ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। थोड़ा सा मैं जरा देखने आया हूँ और मुझे लगा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, चलिए देखते हैं। तो गाइज अभी मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ ना, वो एक खजूर का पेड़ है। देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये खजूर का पेड़ है, ये डायरेक्टली ऊपर ये खजूर का पेड़ है यहाँ पर, तो सूरज की रोशनी वैसे दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पूरा का पूरा एरिया बिल्कुल एम्प्टी है, पूरा खाली है। वहाँ पे कुछ घर आपको दिख रहे होंगे छोटा छोटा, और इस वाले एरिया में देखें तो यहाँ पे खजूर और ताड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा है। तो मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको कि ताड़ का पेड़ कैसा होता है और खजूर का पेड़ कैसा होता है, क्योंकि ताड़ का तो पेड़ देखे होंगे आप लोग, खाए होंगे, लेकिन पेड़ में कैसा दिखता है वो नहीं देखे होंगे। थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आप लोग, ठीक है। चलिए, ये खजूर का पेड़ है, अधिकतर रेगिस्तान में देखा जाता है। इस वाले जगह में मैं लगभग तो बहुत सालों बाद 10-12 साल के बाद में आया हूँ। बचपन में मैं यहाँ पर आता था खेलने के लिए, खजूर तोड़ने के लिए, ताड़ वगैरह तोड़ने के लिए। और सामने देखिए आपको एक पहाड़ भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये वाला, इस वाले पहाड़ में बहुत बार मैं घूमने भी गया हूँ। तो कभी अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर वहाँ आपको ले जाऊँगा और दिखाऊँगा कि वो पहाड़ कैसा है। इसको गोविंदपुर पहाड़ बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है खजूर का पेड़, और देखिए पेड़ में किस तरह के खजूर लगे हुए हैं। वाओ, अमेजिंग, काफ़ी ऊँचा है इसलिए मैं इसे तोड़ नहीं सकता, वरना मैं तोड़ के दिखाता, बहुत बेस्ट है। इसको पकने के बाद जो है ना, ये काफ़ी मज़ा लगता है देखने में, बहुत मज़ेदार जगह है। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप लोग कि खजूर खाने में आप लोगों को कैसा लगता है और ताड़ खाने में आप लोगों को कैसा लगता है। खाए होंगे ज़रूर, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और आज मेरे पास टाइम था इसलिए सोचा चलो थोड़ा सा घूम लेते हैं कि कैसा प्लेस है, कुछ बदलाव हुए कि नहीं। लेकिन देखने के बाद पता चल रहा है यहाँ बहुत कुछ बदल गया है। पहले ना ये बहुत जंगल था, अभी तो सब कुछ कट गया है और घर वर बनने लगा है। तो मेरे ख्याल से आने वाला टाइम पीरियड पे सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पूरा का पूरा घर बन जाएगा और कहीं भी प्लांट्स बचेंगे नहीं, जैसा हो रहा है। तो ज़रूर बताएंगे आप लोग कि आपने ताड़ कहाँ खाया है और खजूर कहाँ खाया है, ठीक है। मैं चल रहा हूँ ना, ये खेत है, देखिए ये, इसको देहाती भाषा में बोला जाता है अड्डा, है ना, ये खेत है पूरा का पूरा। यहाँ पे धान उगाया जाता है इस वाले खेत में, ये जंगल वाला एरिया, और वो रहा पहाड़। एक दिन मैं ज़रूर लेकर चलूँगा वहाँ पे। लगता है इन खजूर गाछ के नीचे में किसी ने आग लगाई है, ये आग लगी हुई है। गर्मी के मौसम में तो आग नहीं लगाना चाहिए क्योंकि बहुत ख़तरनाक होता है, ये देख के लग रहा है किसी ने आग लगा दिया है यहाँ पे। फ़िलहाल मैंने उठाया है दो ढेला, ठीक है, खजूर तोड़ने के लिए। मैं कोशिश करता हूँ खजूर तोड़ने का। ओके, देखते हैं कैसा होता है, कैसा देखने में लगता है। ये रहा पूरा खजूर का प्लांट, यहाँ पर तो और ज़्यादा बड़ा बड़ा है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ तोड़ने का, देखते हैं कि मेरा निशाना कैसा है। सिट यार, तो थोड़ा सा भी नहीं लगा, मैं भूल सा गया हूँ कि यार कैसे तोड़ना चाहिए, पूरा का पूरा निशाना मैं भूल गया हूँ। काफ़ी दिन बाद में आया हूँ ना, लगता है कि निशाना लग ही नहीं रहा है, तो प्रैक्टिस छूट गया, फिर से ट्राई करते हैं। चलो इस बार लग जाए यार, सिट, फिर से मिस।
चलो फिर से ट्राई करते हैं, 1, 2, and 3। यस, वाओ, गिरा। इस बार निशाना मेरा नहीं चुका है। ये देखिए गिरा हुआ है और ये गिरा हुआ है, एंड देन ये भी। तो ये क्या है ना, तो पूरा कच्चा है बेटे, ये किसी काम का नहीं है, फुल्ली मतलब कच्चा है। अभी पकने में काफ़ी टाइम पीरियड लगेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब जो मैं दिखाने वाला हूँ आपको वो है ताड़ का पेड़। ये देखिए एकदम लाइन पे लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, जिसमें कि ताड़ फरते हैं। अभी तो टाइम पीरियड आया नहीं है उसका, लेकिन जब टाइम आता है तो लोग भीड़ लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे एक अजीब नज़ारा, वाव, गजब का नज़ारा है ये देखने में। पूरा यहाँ लाइन पे लगा हुआ है, ये ताड़ गाछ है, इसी में ताड़ फरते हैं। अगर होता तो मैं ज़रूर दिखाता आपको, ठीक है, लेकिन अभी फरा नहीं है तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये है वो प्लांट, ताड़ का गाछ, ठीक है, इसमें ढेर सारे ताड़ फरते हैं। एरिया, ये अंदर का एरिया है, इस तरह से पूरा फैला हुआ है टोटल। तो ये है गाँव का स्पेस। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको शहर में कैसा लगता है रहने में और गांव का नज़ारा आपको कैसा लगता है, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल फ्री है, जब भी कभी टेंशन हो मज़े में आइए, बैठिए और स्प्राइट वगैरह पीजिए, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। यू नो, ये देख सकते हो आप एरिया, ठीक है, बहुत बेटर है। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये जगह और शहर में कैसा लगता है। शहर में तो मज़ा आता ही है, वो तो मुझे पता ही है, फिर भी ये होता ना कि गाँव का लाइफ और यहाँ का जो स्पेस है लोगों को बहुत पसंद आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप लोग कैसा लगा ये जगह। अगले बार मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को जो पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, वो वाला पीछे ये वाला, मैं यहाँ पे आप लोगों को ज़रूर घुमाऊँ। तो चलिए गाइज, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें गाइज। ये जगह कितनी अच्छी लग रही है मुझे, आपको भी अच्छी लग रही होगी। थैंक यू।